वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं तैमूर जफर को और हमारे साथ जनाब डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब मौजूद हैं और हमसे चंद और सवाल करेंगे और उसके बाद उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर करना है इधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसके लिए वो आज इधर आए हैं, लेकिन उन्होंने काइंडली हमें हाफ एन आवर दिया है और हम उसके उस चीज़ के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। सर, अगला फिर ये जो क्वेश्चन उठता है कि अगर आप कहते हैं कि उनको जो ऑब्जेक्शन हैं मुस्लिम वालों को जो नजर आ रहा है, क्योंकि अंदरूनी खाने कोई ऐसी गेम नहीं चल रही, लेकिन फिर हाउस ऑफ असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब तो फैमिली है, वो पार्ट ऑफ फैमिली है, नाराज हो गए, वापस आ जाएंगे, ऐसा कुछ ध्यान दिया उन्होंने। इन अ वे ही इज राइट बिकॉज आई एम स्टिल इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सही, इट इज माय पार्टी, इट इज नॉट एनीबॉडीज प्रॉपर्टी, सही, इट इज पीपल्स पार्टी, तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इट इज माई पार्टी। सो इस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने फैमिली में इनक्लूड किया और ये माना। साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे डिसोन कर दिया, तो लोग कन्फ्यूज हैं कि वो चीफ मिनिस्टर सिंह जो कि प्रेजिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंह के, सिंध चैप्टर के, उनकी बात को सही माने या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु इज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की, सही, तो किसकी चलेगी कुछ नहीं पता। लेकिन सर, लोग ये कहते हैं जो आपको पीपल्स पार्टी ने खुद से खड़ा किया हुआ और आपको सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम के लिए रखा हुआ, दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स इज लाइक इंसल्ट टू इंजरी, इसलिए कि तीन दफा कुरान पाक मैंने उठा के, ये आपने कल परसों एक और प्रोग्राम में भी इस चीज को मैं एक्सप्लेन, तो इस पर ज्यादा बात करना फजूल है, जो नहीं मानना चाहता अल्लाह करे अपने घर खुश रहे और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सही, तो सर अभी ये जो अभी तो आपके जो हल्का है जो आपने छोड़ा है उधर सैलाब भी आया है, बहुत सारा सैलाब इधर गांव भी है, वो लोग सेटिस्फाई हैं आपकी जो आप लोगों ने एफर्ट किया, हमने देखा है बहुत ज्यादा आपकी और आपकी मिसेज ने बहुत ज्यादा जाके कहा, अगला इलेक्शन बताएगा कि कौन किससे सेटिस्फाई है, कौन नहीं, आपका कैंडिडेट कौन होगा? मेरा कैंडिडेट मेरी सीट पे मेरा बेटा होगा, सही, इंशाल्लाह वो तैयार है सर, फुली बिल्कुल तैयार है, ही इज वेरी वेल क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड, मोर एजुकेटेड देन आई एम, आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट, ही इज पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम लिंकन, सही, माशाल्लाह। सर ये फिर दूसरा जो है, आप क्या इसी के ऊपर फोकस रखेंगे सिंध का जो नेशनलिज्म है, या इसके अलावा भी आप किसी को अपने साथ मिलाएंगे? बहुत सारे लोग आगे पीछे कह रहे हैं आजकल सिंध का नेशनलिज्म, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहता हूँ कि सिंध इज बर्थ प्लेस ऑफ पाकिस्तान, सही, सिंध जो मार्ज वजूद में आया और पाकिस्तान, सिंध असेंबली ने 1940 में एक रेजोल्यूशन पास किया था, उस वक्त पूरे रीजन में और असेंबलीज भी थी, गुजरात की भी थी, बंगाल की भी थी, डिफरेंट असेंबलीज मौजूद थी, लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, कोई कॉन्फिडेंस तो उनको सिंध असेंबली में था, इसलिए उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया सिंध असेंबली से। और दूसरी बात यह कि जो बनाने वाला है वो क्रेडिट कोई भी ले, वो मोहम्मद अली कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिसको हम फाउंडर कहते हैं पाकिस्तान के, वो सिंध की उनकी पैदाइश है, तो सिंध का बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस में, इसलिए मैं सिंध के राइट्स की बात ज्यादा करता हूँ। और एमक्यूएम प्रॉब्लम भी सिंध में है, पंजाब में नहीं है, सरहद में NWFP में नहीं है। तो अगर वो पंजाब में जाते हैं जैसे एक कर तो जलसा उन्होंने किया उधर, तो अपने उधर भी रोकेंगे? मैंने तो बहुत पुरानी, जिस दिन ये जलसा करने वाले थे उससे दो दिन पहले मैंने रिकॉर्ड करवाया था अपना इंटरव्यू समा टीवी पे, जो अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने नहीं चलाया अंडर थ्रेट, तो उसमें ही मैंने अपील की थी पंजाब को कि हमारा हशर देख लें, उसके बाद आप इन्हें वेलकम करें। सही, ठीक है, लेकिन इस तरह से डेमोक्रेसी, ये लोग पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस बहुत ये यूज करते हैं जी कि जमहूरियत को खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है, इस तरह से एक सियासी जमात को रोकना, आप या उन्हें सियासी जमात समझते ही नहीं है, सियासी जमात को रोकना कि वो किसी कांग्रेस मूवमेंट को मैं टेररिस्ट जमात समझता हूँ और वो फ्लाइंग कलर्स से पास होते हैं एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक सर, और आप कोई नई कोई डायमेंशन देख रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? नई डायमेंशन, मैं होपफुल हूँ कि नेक्स्ट
इलेक्शंस में मुतअल्लिका कौमी मूवमेंट एज हक परस्त इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, नहीं करेगी इंशाल्लाह। और ये जो इमरान खान के हवाले से अगर नेशनल पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो इमरान खान डजंट बिलीव इन किलिंग। अच्छा, नवाज शरीफ डजंट बिलीव इन किलिंग, पीपल्स पार्टी डजंट बिलीव इन किलिंग। कोई भी आप देखें, पीपल्स पार्टी या इमरान खान की पार्टी से या मियां साहब की पार्टी से या इवन एएनपी वगैरह जितनी और पार्टीज हैं, मौलवी साहबान हैं, उनके इख्तलाफ करके जब लीडरान बाहर निकल जाते हैं तो वो अपने घर में खुश होते हैं या जो भी जहां भी जाते हैं वहां खुश रहते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं। उनको डायरेक्टली अपनी पार्टी से कब्रिस्तान के हवाले नहीं किया जाता। मुतहदा कौमी मूवमेंट में जो भी डिफरेंसेस करके लीडरशिप से बाहर निकला है वो हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। अब आप इमरान खान कह रहे हैं अपना लाहौर के बाद अगला जलसा जो है कराची में करेंगे और एमक्यूएम ने भी उसको कैजी करें जरूर करें, उससे आपको ये लग रहा है कि वो जो उनको ये लग रहा है कि ये शायद आगे पीपल्स पार्टी को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाए, मतलब एक शोहरत ऐसी पास्ट में मॉडस ऑपरेंडाय जो रहा है मुतहदा कौमी मूवमेंट का वो यही रहा है कि जो इलेक्टेबल पॉलिटिक्स कर रहा होता है और नजर आ रहा होता है कि कल उसका फ्यूचर है तो ये उनसे रवाबित अपने ठीक करना शुरू हो जाते हैं। सही, ये बहुत बड़ा जलसा देख के यकीनन लेट गए हैं और इन्हें सहारा चाहिए। मियां साहब से ऐसे रिलेशनशिप हो गई है कि वहां लौट के वापस जाना बड़ा मुश्किल है, दोनों का पॉलिटिकल नुकसान होगा और पीपल्स पार्टी से इंशाल्लाह मैं इनको फारिग करा दूंगा। ठीक है सर, चाहे अभी पहले आपने मेंशन किया था अपनी मिसेस का फहमीदा मिर्जा जो स्पीकर है नेशनल असेंबली की, उनका आप सर फ्यूचर कैसे देख रहे हैं कि बहुत ब्राइट और वो आपका जो अमल है उनके ऊपर कोई उनकी जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर किसी किस्म का असर तो नहीं, बुरा असर तो नहीं? उनके लिए विन विन सिचुएशन है, जहाँ है वहाँ बैठे भी वो भी विनर है वहाँ पे भी, और अगर उनको छोड़ के वो मेरे साथ खड़ी हो गई तो भी वो विनर है। ठीक है सर, वापस मैं थोड़ा सा उसके ऊपर दोबारा से रोशनी डालना चाहता हूँ कि जो आपकी ये जो न्यूज कॉर्नर न्यूयॉर्क के साथ मीटिंग हुई है इसमें आगे कुछ और आपने कुछ डिफाइन किया, कुछ और स्टेप्स हैं जो आप करने चाह रहे हैं? जी, कुछ, क्या उन्होंने आपको कुछ रोड मैप दिया है? कुछ जो मेरे पास जितनी चीजें हैं उसमें लेस देन 25% मैंने उनसे अभी शेयर किया। अच्छा, और मैं फर्दर शेयर वो चीजें करना चाहता हूँ जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, तो वो इंशाल्लाह मुझे अपनी रिक्वायरमेंट देंगे कल या परसों तक, उसके बाद लेकिन सर इमरान खान ने कहा था कि उन्होंने ये एक्सक्यूज बनाया था या अपनी एक स्टेटमेंट दी थी कि क्योंकि फिर जो वो जहरी बात है कि जो प्रोसिक्यूशन है जो डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्योंकि आपने भी गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स इनको दी है। लेकिन आपको कैसे कहा है? लेकिन आप जब एजिस्ट्रेशन पे बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में से नहीं आपको मिली कुछ इन्फॉर्मेशन? जरूरी नहीं, मैं मिनिस्टर के जो है वो लामहदूद वसाइल होते हैं। सही, और वो सिर्फ अपनी होम मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री का इंचार्ज जरूर होता है लेकिन नजर उसकी हर तरफ होती है। सही, तो वो वाला मसला नहीं होगा जी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रही या प्रूफ नहीं दे रही या एविडेंस नहीं दे रही, वो प्रॉब्लम तो नहीं होगा? वो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें प्रोवाइड करूंगा। सही, अगर जरूरत पड़ी तो। सर दूसरा ये है कि अब जैसे हम लोग इधर इंग्लैंड में रहते हैं, आपने देखा होगा इधर आए, ज्यादातर लोग ये नहीं कहते जी कि मैं इस पार्टी से हूँ, हमें एज ए होल पाकिस्तान के लिए क्वेश्चनेबल होना पड़ता है, आंसरेबल होना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है जी कि ये देखिए उधर ये हो रहा है, कराची में ये हो रहा है, बलोचिस्तान में ये हो रहा है, तो हमारे लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि हम कैसे इन चीजों को डिफेंड करें? देखिये सबसे पहले तो एज पाकिस्तानी नेशन, फॉर पाकिस्तानी नेशन, आप लोगों को सिर्फ बैठ के ड्राइंग रूम्स में रेस्टोरेंट्स में डिस्कस करके मतलब है, डोंट लाफ इट अवे, डू समथिंग कॉन्क्रीट। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है इकोनॉमिक कंडीशंस जो हमारे सही पाकिस्तान के, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं एमक्यूएम को ठहराता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक हब है हमारा कराची। कराची में एक दिन शटडाउन कराची होता है तो बिलियंस ऑफ रुपीस, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक दिन में हमारा लॉस होता है, तो वो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुतहदा कौमी मूवमेंट है, जिसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो कराची को बंद कर सके थ्रू बैरल ऑफ द गन, बिकॉज दे बिलीव इन डूइंग थिंग्स थ्रू बैरल ऑफ द गन। तो वो चीज है
हमको डिप्राइव रखने के लिए डायरेक्टली मैं अफेक्टेड नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कोई भी दोस्त या मेरा करीबी कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे पे कि वो मारा नहीं गया, या मेरी एक इंच भी जमीन प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी पे एमकेएम ने कब्जा नहीं किया ना कर सके वो, और इंशाल्लाह ना कर सकेंगे। लेकिन जो हालात हमारे कराची के बने हुए हैं, कोई इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं, वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, इसकी जिम्मेदारी एमक्यूएम पे है। सर ये तो आपने क्या कंक्रीट स्टेप्स का आपने जिक्र किया कि इधर के लोगों को कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं। जी, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ जी कि यहाँ की गवर्नमेंट ने पहले इन्हें जो है रहने की इजाजत दी पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे अल्ताफ हुसैन को, और उसके बाद इन्होंने क्वालिफाई किया और ही बिकेम नेशनल ऑफ ब्रिटेन। सर वो समझ आती है, लेकिन इसके बीच में जो पाकिस्तान करप्शन है इस वक्त उसके हवाले से भी तो लोगों की कंसर्न है, स्पेशली जो इधर रह रहे हैं हम लोग जैसे जो इधर ब्रिटिश पाकिस्तानी है। आई एग्री विद यू, जी हाँ वो बिल्कुल वो मसला है और वो शॉर्ट आउट होना चाहिए। सही, ठीक है सर। हम फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हमारा लेक्चर भी शुरू होने वाला है, हम फाइनली ये क्वेश्चन करते हैं सर कि हम लोगों को बहुत कंसर्न जिससे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत ज्यादा इशू है, और आप इतना बेदरेक इस तरह के ये मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, जैसी भी है इसको लेकर चल रहे हैं आप लोग, सर कहते हैं कि आपको कैसे कोई अपनी लाइफ को उतनी थ्रेट तो नहीं महसूस होती? कि लाइफ की थ्रेट कराची में जो भी रहता है इज लिविंग अंडर ग्रेट थ्रेट। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं हमें पता नहीं होता कि वो जिंदा लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, तो थ्रेट है, लेकिन उस थ्रेट के लिए हम मैनेजमेंट करते रहते हैं। आई एम अ बॉर्न सोल्जर, मेरी ट्रेनिंग जो है वो कैडेट कॉलेज पिटारो की है, आई कैन डिफेंड माई सेल्फ, माई सीधी सीधी बात है, मैंने फौज में भी, आई एम अ रिटायर्ड कैप्टन फ्रॉम आर्मी मेडिकल कोर, तो अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत और समझ दी है कि मैं अपने को डिफेंड कर सकूँ। ठीक है सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन है इसरार खान साहब की तरफ से। डॉक्टर साहब आपने अपनी बेगम फहमीदा मिर्जा के बारे में बात की कि उनके लिए विन विन सिचुएशन है, तो इस पर मुझे परवीन शाकर का एक शेर याद आया, आप शायरी भी कर रहे थे कि इस शर्त पे खेलूंगी मैं पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं आरू को दिया पे। और उसके अलावा आपने क्रिकेट की डिक्शनरी बात, मुझे आज से 27 साल पहले पा चुकी है, वो मेरी ही है और सिर्फ मेरी है। अल्लाह करे ऐसे हो। क्रिकेट के डिक्शनरी में आप बात करते हैं इमरान की और तहरीके इंसाफ की, और ऐसे आपने कहा कि आप ओपनर थे और वो बैटिंग करते थे वो हमेशा सिक्स मारने के, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बड़ी बड़े अच्छे और मंजे हुए बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर भी थे, क्या ख्याल है आप ये सिक्सर मारे और अभी कराची में स्विंगर आने वाले? नहीं, वो बोल्ड आउट तो कर सकते हैं गवर्नमेंट को जी, लेकिन मैच जीतने के लिए बैट्समैन की भी जरूरत होती है। ऑफ कोर्स बिल्कुल, और इमरान हैज आई नो इमरान एज अ क्रिकेटर एंड एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ, अगर हमारे मुल्क की बेहतरी में इमरान खान है तो खुदा करे वो 100 साल हुकूमत करे। जी देखिए इमरान ने ही सेड ओवर्स ही नेवर कॉन्टेम्प्लेट्स डिफीट, ठीक है नहीं अच्छी बात है, ये इसी तरह कन्विक्शन होनी चाहिए हर चीज में, प्यार में और जंग में कभी भी जो है आदमी मुड़ के नहीं देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपको आवाज रेडियो की तरफ से और तैमूर जफर की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे पास आए, आपने हमें ये आधा घंटा दिया और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब इस काबिल समझा कि आपने अपना टाइम मेरे पे जाया किया। नहीं सर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट किया सर, प्लेजर एंड अ प्रिविलेज फॉर अस टू बी एबल टू स्पीक टू यू एंड दिस मोमेंट, इट रियली हैज बीन अ प्लेजर। थैंक यू, तमाम सुनने वालों से ज्यादा चाहेंगे।